हर वीक मैं आता हूँ, शक्ति को काफी परेशान भी करता हूँ मैं। बिल्कुल, बिकॉज आई लव यू। मगर अपना प्यार मैं इस पे जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। सर बोलो। मैं प्रूफ लाया हूँ सर। वर्षा ऋतु के दौरान जब नर भालू को भूख लगती है तो वो अपनी गुफा से शिकार की तलाश में निकलता है। सर हम लोग हनीमून पे गए थे सर। अच्छा। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर दो लंगूरों के बीच बैठी एक परकटी कम बालों वाली मादा भालू पर पड़ती है और मादा भालू को देखते उसके 250 करोड़ 3 इंच लंबे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भालू के अंदर। बड़ी मुश्किल हुई लेकिन सर गए थे। मैं इतना बड़ा एंकर हूँ, इतने सब करता हूँ। मैंने बोला बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने। सर कह रही मुझे वैष्णो देवी जाना है। सर देखो आपको दिखाता हूँ सबूत। एनर्जी डीओपी, डीओपी इज बैक। घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है और वो अपने नाखूनों से अपने शरीर को खरोचने लगता है। ऐसा कर वो मादा भालू को आमंत्रण देता है और अलग अलग इशारे कर अपनी ओर आकर्षित करने की। क्या है ये? ऐसा हर सावन के महीने में 2 से 3 बार होता है। शक्ति राघव ज्वेल। अभी मैंने कहा कि नॉर्मल चलते हैं, नहीं कैरी मेरे साथ वो कर, वो बैले। ये बैले है। वाह बेस्ट प्ले। आखिरकार हार कर नर भालू खुद ही मादा भालू के निकट जाता है। हबी वाइफी, हबी वाइफ। सर ये आपको लगता है मैं ऐसे ये सब करूंगी? खुद लाइक करिए सर, देखो। नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट फोटो। गर्दन दुख रही थी क्या उससे? और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। मादा भालू की खुशबू सूंघते ही नर भालू के शरीर में रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं और उसकी सभी इंद्रियां जागृत हो जाती है। वो अपना आपा खो देता है। अरे बिचारे को चप्पल उपल जूते नहीं है उसके। सर मेरे लिए पता नहीं कैसे कपड़े प्रेस के, खुद को देख लो एक बार। 20 रुपए पर घंटा की बोट पे है ऐसी हालत। हो गया राघव, फालतू के सबूत दिखा दी। इससे पहले कि मादा भालू नर भालू की तरफ आकर्षित हो, उसकी नजर एक खूंखार निर्दयी अच्छा मुझे बताओ, दुल्हन भी घोड़े पे बैठती है? सर सर सुनो, ये घोड़ी पे क्यों है? मैं बता रहा हूँ आपको उसका रीजन। उसका रीजन है घोड़ा आया था क्योंकि दूल्हा घोड़े पे बैठता है। दूल्हा? हाँ। अब ये सारी बहनें बाहर से पढ़ के आई, इन्हें पता है नहीं। अब मैंने बोला कि भैया देखो मेरे को घोड़े पे बैठना, तो दूल्हा बैठता है। मेरे लिए खच्चर भेजा, खुद घोड़े पे बैठी हुई है। देखो इसका घोड़ा गोबर करते करते जा रहा था सर, आगे ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था सर। लेडी संगीत था सर। और उसके रसायन जहाँ से उत्पन्न हुए थे वहाँ वापस चले जाते हैं।